हाय फैमिली गुरु नमस्ते एंड आई एम हियर विद अ न्यू व्लॉग। तो अभी अपना एक केला खाएंगे, हम दो केले खाने थे वैसे, बट एक ही केला है घर पे तो एक खाएंगे और आते टाइम लेके आएंगे जिम से आते टाइम। तो ये खाते हैं और चलते हैं जिम। आज करना है चेस्ट और ये कंप्रेशन पहनी है मैंने आज। चेस्ट वाले दिन मैंने कंप्रेशन पहनी ही नहीं जिसमें पहननी चाहिए और हर दिन पहन लिया लेग डे को छोड़ के। देखना चाहता हूँ इसमें कैसे दिखती है बॉडी आज, और शायद थंबनेल भी फिर ऐसी टी शर्ट में हो अगर मुझे बहुत अच्छी लगी तो, पंप के साथ फोटो अच्छी आ रही हुई तो, नहीं तो फिर वैसे डालेंगे। खाते हैं भी एक केला, चलते हैं जिम। और मैंने ब्रो स्प्लिट पे स्विच कर लिया है, ब्रो स्प्लिट फॉलो करेंगे अब, क्योंकि बेजस की नाइट शिफ्ट है। तो मुझे लग रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे लेग रिकवर क्यों नहीं हो पाते जल्दी। फिर समझ आया कि मैं स्लीप का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा तो हो ही रहा है। मैं दिमाग में सोचता नहीं बट थोड़ा मोड़ा हो रहा हो कहीं पे। वैसे मैं सोता हूँ 8 घंटे बट रात की नींद अलग होती है, उसकी वजह से शायद रिकवरी इतनी जल्दी नहीं हो रही है मेरी बॉडी में। और मैं लेग को लेग 3 दिन में रिकवर नहीं होते, फिर वापस ट्रेन करना होता है, इस वजह से मैं छोड़ देता हूँ ट्रेन करना। फिर सोचता हूँ कि जब रिकवर होंगे तब करूँगा। तो ऐसे करके 1 हफ्ते में एक बार ही ट्रेन हो रहे थे। तो अब मैंने क्या किया, हर बॉडी पर कुछ दिन पहले तो आर्म्स भी रिकवर नहीं हो रहे थे गाँव से जब से आया था। गांव में रात को सोने की आदत हो गई थी 11-12 बजे, तो फिर अब वापस सुबह 8 बजे सो रहा था मैं, नाइट शिफ्ट थी तो उसकी वजह से तो दिक्कत हो रही थी बहुत। तो अब मैं समझ गया हूँ, मैं ब्रो स्प्लिट पर इसलिए मैंने शिफ्ट करा है कि रिकवरी अच्छे से हो, और 7 दिन में तो कैसे भी करके रिकवरी होगी, चाहे कुछ भी हो, अच्छे से रेस्ट वेस्ट हो ही जाएगा, हर मसल को अच्छे से रिकवरी का टाइम मिलेगा। तो इसलिए मैंने ब्रो स्पीड पे शिफ्ट कर दिया है, ज़रूरी था मेरे लिए। मेरे को लगता है पर्टिकुलरली मेरे लिए देखो आप तो ज़रूरी है, क्योंकि मैं काम भी करना होता है 8 घंटे रात को, तो उस हिसाब से ब्रो स्पीड सही रहेगा। और बहुत सारे स्पीड मैंने ट्राई करके देखा, 4 डे स्पीड भी ट्राई करके देखा बट वो भी वर्क नहीं कर रहा था। तो अब ब्रो स्पीड फाइनल है, यही फॉलो करेंगे। तो चलते हैं अभी जिम और बस चेस्ट ट्रेन करना है। बट ये एक ड्रॉबैक ऐसे कि चेस्ट के साथ शोल्डर ट्रेन करने में मज़ा आता था, पंप भी बहुत तगड़ा आता था, इन दोनों कॉम्बिनेशन ही तगड़ा है। वैसे भी आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हो तो आपका जो इंटीरियर डेल्टॉइड है, फ्रंट डेल्टॉइड जिसको बोलते हैं, वो हो ही जाता है ट्रेन मैक्सिमम एक्सरसाइज में। चेस्ट कर रहे हो आप तो चेस्ट प्रेस कर रहे हो तो आता ही है, ये आता है फील करके देखो, वैसे वैसे मिल जाएगा यहाँ पे आ रहा है। ज़्यादातर एक्सरसाइज में चेस्ट की फ्लाइज कर रहे हो उसमें भी आ जाता है, हर एक्सरसाइज में आ ही जाता है, बट क्या कर सकते हैं चेंज करना। पर मैंने ऐसे किया है कि चेस्ट मारा तो उसके आसपास शोल्डर नहीं है कहीं पर, शोल्डर उससे बहुत दूर है, तो शोल्डर भी उस टाइम अगर थोड़ा सा भी वहाँ पर टूटा होगा मसल तो वो भी इंजर्ड हो जाएगा, मतलब वो भी रिकवर हो जाएगा, बोल रहा इंजर्ड हो जाएगा शोल्डर के ट्रेनिंग आते आते शोल्डर कवर हो जाएगा, थोड़ा भी डैमेज हुआ होगा। तो चलते हैं जिम और करते हैं अच्छे से ट्रेन, लेट्स गो। और इस साल बहुत तगड़ी फिजिक बनानी है, एकदम तगड़ी एस्थेटिक्स। दिसंबर में कट स्टार्ट करेंगे, अभी तो मेंटेनेंस पे रहूँगा पूरे साल, एक्स पूरे साल रहूँगा, लेट्स गो। Karma, got a thing for me, we hold hands, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend, one step closer, here's how it ends. Karma, got a thing for me, you see, you'll be digging up 6 feet. Karma, never let me down, my smile will kill when I cut you out. Okay, to hurt your voice screaming in my face. I know you gotta bark when you don't got bite. Tell me, what's that like? What's that like? Being that insecure, acting up, immature. Had enough, I'm so bored. I'm so bored. Cause
It's karma. It's karma. Got the भाई आगे हो नीचे आप स्किपिंग करते हैं और फिर चले इधर हज़ार स्किपिंग कंप्लीट करते हैं देख रहे आप देख रहे टी शर्ट में भी ओके गाइस तो आज का हूँ घर पे और बस अपना पोस्ट वर्कआउट मील ही कर रहा हूँ यह है चावल सोया राजमा दाल और आलू की चटनी है थोड़ी सी और ये सब्जी भी है ये भी सब्जी भी सोया की बनी है आज तो मैं सब्जी बस टेस्ट थोड़ा आ जाए उसके लिए खाता हूँ ये सारे नहीं खाने वाला बहुत कम खाऊंगा सब्जी भी ऊपर से सोया की है तो खाते हैं इसको जल्दी से और फिर अब उसके बाद पढ़ने बैठूंगा थोड़ी देर या पहले कार्डियो कर लूँगा कार्डियो करते करते पढ़ूंगा ये सही रहेगा कार्डियो करते करते पढ़ेंगे पहले उसके बाद वापस पढ़ेंगे फिर और क्या वो कांट हर्ट में मैंने ख़त्म कर दिया उसके 10 पेज बचे हैं लास्ट के तो वो ख़त्म करूँगा चलते चलते अभी पहले इसको ख़त्म करते हैं खाते हैं फिर मिलता हूँ थोड़ी देर में
तो गाइस ओट्स खाने का टाइम हो गया। बस अभी पढ़ ही रहा था, आधा घंटे ही पढ़ा है, तो फ्लो तोड़ना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ओट्स खाना है, इसमें प्रोटीन मिलाते हैं और खाते हैं जल्दी। अब इसको मैं इसलिए खा रहा हूँ अभी क्योंकि मतलब अभी मेरे को थोड़ा पढ़ाई को छोड़ना पड़ा, जल्दी खाता हूँ ये, फिर वापस पढ़ेंगे, और इसलिए अभी खाना पड़ रहा है क्योंकि 11:30 बजे तक वापस डिनर भी करना है, तो तब तक इतना लगातार तो खा नहीं पाऊँगा, तो अभी खाऊँगा। अभी 9:30 हो रहे हैं, तभी खा पाऊँगा थोड़ी देर में, तो अभी इसको खाते हैं और फिर डिनर करेंगे, तब तक पढ़ेंगे, जल्दी से निपटाता हूँ 10 मिनट में, खा के ख़त्म और फिर ये पढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अभी बज गए कितने, 2 बज गए, रात के 2 बज चुके हैं, और अभी अपना ये दूध पी रहा हूँ, इसमें कैसे दिख रहा है, ये दूध पीते हैं जल्दी से, और फिर बस कार्डियो करने, पूरे 7,500 स्टेप स्किपिंग कर ली थी मैंने, बट कार्डियो भी करेंगे रात को, अभी तो 8 बजे तक का है, 7,500 स्टेप्स कंप्लीट कर लूँगा तब तक, थोड़ा थोड़ा करके काम करते करते, और ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को, यहीं पे मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड गुड बाय।